हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये परोठा रेडीमेड बताऊंगा कैसे इसको सेकना है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे पनीर के साथ, चिकन के साथ, मटन के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है। इसे हम लोग लच्छा पराठा भी बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसको आप घी यूज कर सकते हैं हीट करने के लिए, अदरवाइज आप रिफाइन भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये नेचुरली है, यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ प्राइस इसका 90 रुपीज़ लिखा है, मैंने इससे 55 रुपीज़ में लिया है, और ये मेड इन इंडिया है। देखिए, पराठा मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है सभी को, और देखिए कितना स्मूथ है। और आप लेते वक्त इसका एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। और मैंने तवे पर तेल को अप्लाई कर लिया है, रिफाइंड तेल को, और इसको हम अच्छी तरह से सेकेंगे घुमा घुमा के पूरे साइड में, और फ्लेम मीडियम करके रखेंगे। देखिए, इसी तरह से आपको राउंड राउंड घुमाना है ताकि जले नहीं अच्छी तरह से। और फिर इसके बाद ऊपर में हम तेल को अप्लाई करेंगे। आप घी भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर रिफाइन यूज किया है, क्योंकि घी अप्लाई करने से ये खाया नहीं जाएगा, बहुत ही मन मार देगा, खा नहीं सकते हैं ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑयल का यूज किया है, रिफाइन ऑयल। देख लें, पकना स्टार्ट हो गया है हमारा, ये ऑलरेडी पका हुआ है। देखिए, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आ रहा है, और जैसे ये पूरा हीट हो जाएगा 2 मिनट तक, तो इसका जो लेयर है वो छोड़ने लगेगा, साइड से पूरा लच्छा निकलने लगेगा। देखिए, इस तरह से हमें पका लेना है। देखिए, ये अब हम इसे निकाल के रख देंगे प्लेट में। इसी तरह से आपको सारे पराठे को पका लेना है, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप चिकन मटन में आप खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए इसी तरह, और देखिए सारा इसका लेयर टू लेयर पक चुका है, देख लेंगे। पकने के बाद इस तरह से लेयर इससे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।